सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले पर सुनवाई करने के दौरान आजम खान के बयान पर तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और आजम खान को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने नोटिस में यूपी सरकार से 4 सवाल पूछे हैं। कोर्ट का पहला सवाल है कि क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा शख्स इस तरह का बयान दे सकता है जिससे उसका कोई सरोकार नहीं है और जिससे पीड़िता का व्यवस्था पर भरोसा कम हो। दूसरे प्रश्न में कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य, जो जनता का संरक्षक होता है, इस तरह के बयान देने की इजाजत दे सकता है जिससे निष्पक्ष जांच को लेकर संशय पैदा हो। तीसरा प्रश्न, क्या इस तरह का बयान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर आता है? और चौथा, क्या इस तरह का बयान, जो अपने बचाव में ना हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है? आपको बता दें कि आजम खान ने एक विवादास्पद बयान देते हुए इस गैंग रेप को विपक्ष की साजिश बताया था। उन्होंने कहा था, वोट के लिए लोग किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। सियासत में जुबानी जंग का इस्तेमाल करना राजनीतिक दक्षता को सिद्ध करता है, लेकिन इस तरह के संवेदनशील मामलों पर आजम का यह बयान साबित करता है कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय जुमले ही कर सकती है। देखते रहिए डीबी लाइव।